हेलो गाइस, आप देख रहे हैं गॉसिप टाउन और मैं हूं आपके साथ कृतिका। बिग बॉस ओडीडी सीजन 2 का तीसरा हफ्ता ऑलमोस्ट खत्म होने को है। वही वीकेंड का वार आने वाला है। आज शुक्रवार है और आज आ गया है अब क्लोजिंग वोटिंग ट्रेंड। एज वी नो, 7 लोग इस हफ्ते घर से बेघर होने के लिए हैं नॉमिनेटेड, सिवाय फुकरा इंसान और जिया शंकर के। ये दोनों ही बस घर में सेफ है, यहाँ तक कि पूजा भट्ट और साइरस बरोचा का भी नाम है नॉमिनेटेड कंटेस्टेंट की लिस्ट में शुमार। और क्या कहता है क्लोजिंग वोटिंग ट्रेंड, यकीनन आप भी वही जानना चाहते होंगे, क्योंकि मैंने आपको ओपनिंग वोटिंग ट्रेंड और ओपनिंग के बाद क्या क्या बदलाव हुए थे वोटिंग ट्रेंड में वो बता दिए थे। तो चलिए गाइज, अब आपको बता देते हैं कि आखिरकार क्लोजिंग वोटिंग ट्रेंड से आखिर क्या किसी को बड़ा झटका लग सकता है, कौन घर से हो सकता है बेघर और कौन आगे है और कौन पीछे। तमाम चीजें आपको बताने के लिए मैं हाजिर हो गई हूँ। आपको यही कहना चाहती हूँ, अगर नहीं किया आपने मेरे चैनल गॉसिप टाउन को अभी तक सब्सक्राइब, तो प्लीज गाइज डू सब्सक्राइब माई चैनल। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम आपको बता देती हूँ कि नंबर 1 पर जिसको सबसे ज्यादा वोट्स मिल रहे हैं वो है मनीषा रानी। जी हाँ, वो बिग बॉस ओडीडी सीजन 2 की मोस्ट एंटरटेनमेंट क्वीन बनी हुई है। मनीषा की चुलबुली हरकतें फैंस को काफी पसंद आ रही है और फैंस मनीषा को भर भर कर वोट्स कर रहे हैं। वही बात करूं अगर दूसरे नंबर पर कौन है तो बताना चाहती हूँ कि पूजा भट्ट का नाम है। जी हाँ, पूजा को बचाने के लिए लोग काफी वोट्स कर रहे हैं। हालांकि जब पूजा नॉमिनेट हुई थी तो ऐसा लग रहा था कि पूजा को कोई कंसीडर नहीं करेगा, उन्हें काफी कम वोट्स मिलेंगे, पर अफसोस ऐसा नहीं हुआ। तीसरे नंबर पर नाम है अविनाश सचदेव, चौथे पर है जद हदीद, पांचवें नंबर पर है बेबिका ध्रुवे। बिल्कुल सही, जी हाँ, इतनी किटपिट किटपिट करती रहती है बेबिका, इसीलिए वो पहुंच गई है पांचवें नंबर पर। लेकिन सबसे ज्यादा जो दो नाम ऐसे हैं जिन पर काफी खतरा मंडरा रहा है, उन दो नामों में है साइरस और है फलकनाज। ऐसा लग रहा है फलक और साइरस में से किसी पर गिर सकती है गाज। अगर डबल विक्शन हुआ तो साइरस और फलक का नाम आ सकता है। वही अगर, क्योंकि 7-6 पोजीशन पर है साइरस बरोचा और 7th पर है फलक, फलक सबसे ज्यादा बॉटम में नजर आ रही है, तो देखना दिलचस्प होगा क्या जो फलकनाज है उनका सफर घर में इतना ही होगा। कैसा लगा वीडियो जरूर बताइएगा मुझे कमेंट में। इस वीडियो में इतना ही, देखते रहिए गॉसिप टाउन।